हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विनोद सर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा था। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली प्रिंसिपल फोकस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है भाई, देखिए जो कॉनकेव मिरर होता है तो ये आपका क्या हो गया, एक कॉनकेव मिरर हो गया है ना, जिसमें क्या होता है बाहर आपका पॉलिश होना चाहिए और जो कर्व्ड पार्ट है, जो इनवर्ड पार्ट होता है, वहां पर आपका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, इस प्रिंसिपल ये आपकी क्या होगी, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ और इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या होता है कि जब रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के और आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो रेज एक पॉइंट से क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाते हैं, एक पॉइंट से क्या होता है, पास होते हैं, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसका प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट है कॉनकेव मिरर का जहां पर ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब ये पोल से लेके फोकस तक की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, इसकी फोकल लेंथ f बोलते हैं। क्लियर है भाई। तो दैट मींस कि अगर हम डिफाइन करेंगे तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर वेयर द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज दैट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज आफ्टर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। समझ गए ना। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, देखिए क्या, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज दैट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज आफ्टर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। या आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज, ठीक है, वेयर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब नेक्स्ट देखिए, देखो कॉनकेव मिरर क्या करता है, जो भी इसके ऊपर रेज आएंगे ऐसे पैरेलल रेज, उनको क्या करता है, इस पॉइंट पे करता है कन्वर्ज कर देता है। ऐसे मान लो पैरेलल रेज आई तो वो भी क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, तो इसलिए हम कॉनकेव मिरर क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर। किसको, कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या हुआ, कन्वर्जिंग मिरर हो गया। क्यों, बिकॉज जो कॉनकेव मिरर है वो सारी रेज के करता है, एक पॉइंट में कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, इसलिए हम क्या करते हैं कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा था। तो देखो ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया एक, है ना, और यहां पर आपका क्या हो गया, पोल हो गया। ये जो लाइन पोल से पास होगी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या हो गया, देखो यहां कहीं क्या होगा, इसका सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और क्योंकि जहां पर स्फीयर का सेंटर होता है वहां पर आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां कहीं क्या होगा आपका, इसका फोकस होगा। दैट मींस कि देखिए पोल से लेके सी तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, और पोल से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। अगर आपको फोकल लेंथ की डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट, या द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। जो भी आपका मिरर है, कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है, वो लिख देंगे आप, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर।
क्लियर हो गया। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी किसकी, फोकल लेंथ की डेफिनेशन हो गई। क्या द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। अब यहां देखिए ये आपकी फोकल लेंथ है और ये क्या हो गया आपका आर हो गया। तो इस डायग्राम से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है मिरर का वो हमेशा ग्रेटर होता है किससे, इसके फोकल लेंथ से। और इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है जो कि होता है हमारा एफ इक्वल टू आर बाई टू। दैट मीन्स कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, हाफ होती है। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, देखो इसके अपॉन वन लगाएंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है क्या होता है आपका 2f होता है। दैट मीन्स कि फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है। तो एक और चीज नोट कीजिए यहाँ पे, देखो जब आप कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे या फोकल लेंथ की बात करेंगे तो होता क्या, देखो कॉनकेव मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस है वहां पर जो रेज है, देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद मिरर में से जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जो रेज ऑफ लाइट है वो वास्तव में क्या हो रहा है, उस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम डेड सर के नहीं मिला रहे हैं। तो यहां पर जो रेज है वो वास्तव में आके मिल रही है, मतलब हमें कहेंगे कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है कॉनकेव मिरर का वो क्या होता है, रियल फोकस होता है। समझ गए ना। तो अगर आप आता है तो अगर आपको मान लो एग्जाम में आता है कि कौन सा मिरर है जिसका जो प्रिंसिपल फोकस है रियल होता है, तो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है आपका क्या होता है, रियल फोकस होता है। उसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो रेज है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन की बातें कर रहे हैं, इस पॉइंट पर आके एक्चुअली मीट कर रहे हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है उसका फोकस क्या होता है, रियल होता है। उसका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, रियल होता है। क्लियर है। तो ये आपका कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ हो गया। तो नोट कीजिए इसको। तो अब हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है आपका, तो इस टाइप का क्या होता है, कुछ कॉन्वेक्स मिरर होता है जिसमें आपका क्या होगा, इनवर्ड सरफेस पे क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कहां होता है, आउटवर्ड होता है। और तो ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसका पोल पी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करेंगे तो होता क्या है, देखो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो जब भी कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर कोई रेज आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है भाई, ये आपकी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो रेज है, ये जो रेज आ रही है ये पैरेलल है इस प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जब भी कॉन्वेक्स मिरर में पैरेलल रेज आती हैं इनफाइनाइट से इस कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, तो ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, इन रेज को क्या करता है, ऐसे कुछ क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। क्या करता है, इस तरीके से कुछ डाइवर्ज कर देता है। अब होता क्या, देखो डाइवर्ज हो सकता है ऐसे करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देगा ऐसे। देखो रे ऐसे आई, यहां से डाइवर्ज हो गई, ऐसा ही यहां से क्या होगी, इससे रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने का मतलब ऐसे कुछ क्या होगी, सबसे क्या होगी, डाइवर्ज हो गई। अब होता क्या है, जब इन रेज को हम ऐसे मिलाते हैं डेड एड एस आगे, और ऐसे इसको भी हम डेड एस आगे यहां पर मिलाएंगे, अगर मैं इसको इस पॉइंट से देखूंगा तो मुझे क्या लगता है कि रेज क्या हो रही है, इस पॉइंट से क्या हो रही है, जा रही है, इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, ऐसा लगता है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है जहां पर ये रेज हमें लग रही है कि डाइवर्ज हो रही है जिस पॉइंट से, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस कॉन्वेक्स मिरर का क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्लियर है भाई। तो ये जो पॉइंट हुआ आपका, इस पॉइंट को हमने क्या बोला, इसका प्रिंसिपल फोकस बोला। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर के फोकस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, जहां पर जिस पॉइंट से रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद हमें अपीयर होती है डाइवर्ज होते हुए, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसका प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। देखो इस पॉइंट से जो ये रेज यहां से आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि रेज क्या हो रही है, इस पॉइंट से जा रही है, तो जिस पॉइंट से तुम्हें लगता है कि रेज डाइवर्ज हो रही है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसका प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और ये हमने डेफिनेशन में लिखा है, देखो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रेज इनिशियली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस appears to diverge after reflection from the convex mirror। मतलब वो पॉइंट होता है जिसमें रेज स्टार्टिंग में जब पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और वहां जिस पॉइंट से आपको डाइवर्ज होते हुए दिखती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसका फोकस बोलते हैं। किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। अब कुछ पॉइंट और है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, देखिए कॉन्वेक्स मिरर करता है रेज को डाइवर्ज करता है, फैला देता है, तो इसलिए हम इस मिरर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस मिरर को, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया भाई। तो आपको अगर आता है कि डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है, तो कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं या डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, रेज को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। सेकंड देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखो जो रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वास्तव में आके इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यहां पर हमने डेड एस करके इसको आगे मिला रखा है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से अपीयर, हमें ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से रेज है वो क्या हो रही है, इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, जबकि वास्तव में यहां से नहीं आ रही है, रेज यहां से आ रही है। इसलिए जो इसका फोकस होता है कैसा फोकस होता है, इसका फोकस होता है आपका वर्चुअल फोकस होता है, जबकि मैंने बताया कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है क्या होता है, रियल फोकस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पे, देखो जैसे यहां पर इसका एफ हो गया तो सेम क्या होता है, यहां कहीं क्या होगा, स्फीयर का क्या होगा, सेंटर होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो जाएगा। अब इसकी फोकल लेंथ की बात करेंगे तो द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। ठीक है,
तो द डिस्टेंस देखो डिफाइन करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड, कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। ठीक है भाई, इसको हम बोलेंगे इसका फोकल लेंथ बोलेंगे। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, एफ से करते हैं। ये आपका फोकस हो गया और पोल से लेके सी तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं आर। तो यहां पर वही चीज होगी, देखो आर क्या होता है ग्रेटर होता है किससे, फोकल लेंथ से। दैट मीन्स की जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है हाफ होती है। ठीक है, अब क्या हुआ यहां पर देखो, इसके बाद अगर मैं आर निकालूंगा तो यहां से क्या आएगा आपके पास आर इक्वल टू क्या आएगा 2f आएगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो होप आपको प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में इजीली डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।